पीथमपुर थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरिया फैक्ट्री में काम करने वाले 3 श्रमिकों को अपहरण और हत्या के बाद बिलपाक जिला रतलाम के जंगलों में शव को फेंकने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में उपयोग की गई एक कार भी पुलिस ने जब्त की है। हत्या और अपहरण का मास्टरमाइंड ठेकेदार एक विकलांग है। फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। वहीं जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि आज से करीब 4 माह पूर्व पीथमपुर की शिवांगी सीरिया कंपनी में काम करने वाले 3 श्रमिक, जिसमें मृतक शत्रुघ्न, दीपक और सुबोध को कंपनी के ही एक ठेकेदार बस्तीराम द्वारा उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर कंपनी के ही सर्वेट क्वार्टर में डंडों और लात घूसों से जमकर मारपीट की गई थी। पुलिस ने काफी मेहनत से इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे अपहरण हत्याकांड का मास्टरमाइंड तुलसीराम एक पैर से विकलांग है, उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पीथमपुर से संजय सोनवरा की रिपोर्ट। जी बताएं सर, क्या घटना हुई और कैसे शुरू हुई ये घटना? देखिए, हमारे को 8वें महीने में 27 तारीख को एक कायमी मिली एसपी साहब के माध्यम से। वो अपराध 0 पे कायम होके कासमा जिला औरंगाबाद से, मतलब आप समझिए बिहार से, वो कायमी होकर हमारे यहाँ आई थी 0 पे। उन्होंने अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला पंजीकृत किया था। फिर जो घटनाक्रम जो हुआ, उसमें हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया हमने, तो हमको फिर उसके परिजनों से जो जिन 3 लड़कों के साथ मारपीट की थी, उनके नाम थे सर शत्रुघ्न, सुबोध और दीपन। तो दीपन और सुबोध घर पहुंच गए थे, शत्रुघ्न नहीं पहुंचा था। तो शत्रुघ्न की पत्नी ने ये रिपोर्ट लिखाई वहाँ जाके बिहार में कि ऐसा ऐसा इनके साथ 31 तारीख को मारपीट हुई थी और अभी तक मेरा पति नहीं लौटा है। तो उन्होंने वो अपराध कायम कर लिया। फिर हमने तकनीकी साक्ष्य से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि 19/5 की रात में दीपन, सुबोध और शत्रुघ्न के साथ बस्तीराम जो ठेकेदार है उसके सुपरवाइजर ने, रेवता राम ने और लेबर डाला राम ने और ड्राइवर भागीरथ ने और दूसरा एक लेबर और तुलसीराम ने, ऐसे 4 लोगों ने उसके इन 3 के साथ मारपीट की थी, कुछ आपसी झगड़ा हुआ होगा। और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर इनको छोड़ दिया, एक को महू नाके पे छोड़ दिया, इंदोरावा नाके पे छोड़ दिया, एक को शत्रुड़ा करके एक जगह है वहाँ छोड़ा, और फिर तीसरा जो शत्रुघ्न जो था उसको उन्होंने वहाँ छोड़ा, जमुनिया करके गांव है, बिलपाक थाने में आता है रेवता, उसमें वहाँ पर उसको पटक दिया अधमरी अवस्था में, हो सकता है शायद वो उस पर जिंदा हो अब। और ये लोग फिर सब गायब हो जाते हैं। अगले दिन बॉडी मिलती है उनको बिलपाक थाने वालों को, तो वो एक मर्ग कायम करते हैं, वो अनआइडेंटिफाइड रहता है। अब हमने अनआइडेंटिफाइड बॉडी को, अज्ञात जो शव रहते हैं उनको उस तारीख में देखना शुरू किया, तो हमको ये व्यक्ति का फोटो मिल गया कि हाँ ये भी मरा हुआ है। फिर बाकी लोग 2 लोगों को दबिश दे के पकड़ा, फिर अन्य 3 लोगों को दबिश दे के पकड़ा, फिर उसके परिजनों को फोटो दिखाया और कपड़े दिखाए, तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये हमारा लड़का शत्रुघ्न ही है, हमारा भाई शत्रुघ्न ही है। फिर ये उसमें फिर आज हमने धारा 302 का इजाफा किया, धारा 302 बढ़ाई, और फिर इनको यहाँ से आज हम लोग जुडिशल रिमांड पे भेज रहे हैं। लोग 2 लोग हमारे पास में 5-6 दिन से पुलिस रिमांड पे थे, जिनसे पूछताछ की थी। अब जो इन्होंने गाड़ी यूज़ की थी वो भी हमने जब्त कर लिए, डंडा भी जब्त कर लिया है। एक फुटेज हमको ज़रूर मिला था उस दौरान कि घटना की रात को एक कार रहती है, उसमें 4-5 लोग मिलके 3 लोगों को बैठा के ले आ रहा है, एक आदमी को टांग के लाते हैं। यहाँ से शक ज़्यादा गहराया कि घटना की रात है, और उसमें जो आधार कार्ड से फ़ोटो मैच किया तो भागीरथ की जान पहचान हो गई थी, इसलिए फिर भागीरथ को टारगेट करके हमने इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और फिर इस तरह आरोपियों तक पुलिस पहुंची और अब 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए, कार भी जब्त हो गई, डंडा भी जब्त हो गया। अब हम इनको आज रिमांड पे, जुडिशल रिमांड पे भेज रहे हैं। राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी, पीथमपुर बख्तून। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।